हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पेपर खत्म हो गए थर्ड सेमेस्टर के, तो हम सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी? पता नहीं, हम जा नहीं रहा है, क्या बोलते हैं, हमने वैसे डिसाइड नहीं किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं रास्ते में। तो हम चल पड़े, हम क्या बोल सकते हैं, अब कहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ आपको दिखा देंगे। वैसे गाइस, अपने पेपर खत्म होने की खुशी बता दो, थोड़ी सी खुशी बताओ। पेपर मोनिका जी, आज हमारे पेपर खत्म हो गए, आज हमारा थर्ड सेमेस्टर का लास्ट दिन था, तो आप अपने थर्ड सेमेस्टर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दीजिए और खुशी बता दीजिए। आज मुझे बहुत खुशी है, मैं एक्सपीरियंस नहीं जाहिर कर सकती। अनीता जी, इतनी खुशी बोल ही नहीं सकती, शब्द नहीं है, निःशब्द हो गए हम। इतनी खुशी पेपर खत्म होने की, सारे निःशब्द हो गए। हमें हमारी ये टुलटा जी बताएगी आज पेपर खत्म होने की खुशी बताएगी। बता हमारी क्यों रही है इतनी सारी खुशी। लता जी, अपने पेपर खत्म होने की खुशी बताई जाए। पेपर होने की खत्म होने की खुशी तो इतनी है कि हम रूम ही नहीं जा रहे, धीरज बताओ अपनी खुशी। बस अब इसके बाद सीधा पार्टी करने जा रहे हैं, जलेबी खाने, रोकी बर्खा खिलाएंगे अभी। बस अभी हम जलेबी खाने जा रहे हैं, भर भर के जलेबी खाएंगे। अच्छा। पकौड़े भी खाएंगे वैसे, क्योंकि पर खाने भी 2000 रुपए निकाले हैं अकाउंट से, इसके पैसे से खाएंगे। बिल्कुल। पेपर खत्म होने की खुशी बताई जाए। बोले मैं आज पार्टी दे रही हूं, मैं घर जा रही हूं, यही मेरी खुशी है। मेरी खुशी सबसे बड़ी खुशी यही है, मैं 7 महीने बाद अपने पापा से मिलूंगी, सबसे बड़ी खुशी यही है। 7 महीने, टू मच इमोशनल मैन। बस हटो यहाँ से। ये बंदर, ये बोल रहा है कि ये अभी बोल के गया हमें कि भाई तुम चलो मत। तो सबसे पहले बहुत मुश्किल से मैंने राहुल को पकड़ा है यहाँ पे, इससे इसके पेपर खत्म होने का एक्सपीरियंस पूछने के लिए। राहुल, तो अब अपने पेपर खत्म होने का एक्सपीरियंस बता, और कितनी खुशी हो रही है वो भी बता, जल्दी बता। ये रास्ता दिखा दो इनको। क्यों बताऊं? शांति ढूंढने जा रहा हूँ। देखो, तू शांति ढूंढने जा रहा है? हाँ। पेपर खत्म होने के बाद दारू मैं डालूंगी, सच्ची डालूंगी गंदे। बहुत मुश्किल से आके मैंने राहुल को पकड़ा है, और अब ये बताएगा कि पेपर खत्म होने का एक्सपीरियंस बता। भाई साहब, पेपर देने का एक्सपीरियंस तो खत्म होने का सिर्फ एक ही मन कर रहा है, क्या जाके सोएंगे आराम से। 6 महीने कोई टेंशन नहीं, बस आप घूमने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी खुशी हो रही है। चलो एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जन्नत मिल गई मेरे को, पेपर खत्म हो गया। कहाँ? मेरी धरती पे। हाँ, धरती पे जन्नत होती है। कहाँ होती है? मैं भी जाना, अमानत तो होती है, मैं गया था ना अमानत के पास। खुशी मिलती भाई, खुशी मेरे को मिली है, हमें मिलती है थोड़ी देर। तो अमित, ये वैसे आज घर जा रहे हैं, इसकी खुशी वैसे दिख रही है, बट ये अपने पेपर खत्म होने का एक्सपीरियंस बताएगा। बड़ी मुश्किल से, बहुत आयो क्या, मेरे मुंह से जब शब्द नहीं निकल रहे, इतनी खुशी। तो बता अपना एक्सपीरियंस, जल्दी बता। इतनी खुशी खुशी राव के पास नहीं हो सकती, के पास नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पास खुशी है, मैं खुशी को हासिल करके रहूंगा। नहीं, अरे मतलब खुशी बहुत मिल रही है, पेपर खत्म हो चुके हैं हमारे, आपका इतने खतरनाक पेपर गए कि फेल हो गए जाएंगे, किसी में भी सफली आ सकती है अभी। तो सबसे लास्ट में हमारे पास है हमारे स्पेशल बंदे मोहन, तो बता आपने उसको एक्सपीरियंस बता दिया। उड़ता ही फिरूं पेपर में मैं कहीं, पता नहीं यार, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। पेपर खत्म, मुझे लग रहा था कि होली के दिन दिवाली हो रही है। अच्छा। हाँ जी, पटाखे फूट रहे थे, समझ नहीं आ रही थी स्टार्ट कैसे करूं, तो फिर मैंने ऊपर ऊपर स्टार्ट। फिर जाके लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बाद पहुंचा। अच्छा, फिर मेरा पेपर बहुत ही खराब हो गया। आज का पेपर? हाँ जी, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि आज के पेपर में मैं टॉपर आ गया हूँ। ओह, चल भाई साइड हो, टॉपर बन गया तू। अच्छे से।
गाइस अब पहुँच गए हम बालूगंज, पता नहीं जहाँ तो रहे हैं। वैसे ये एडवांस स्टडी को रास्ता है यहाँ से, और पता नहीं हम जहाँ तो रहे ऐसे डिसाइड हुए कि जलेबी खाने जा रहे हैं, बट देखते हैं जलेबी खाने ही आए हम यहाँ तक शायद। गाइस ये हमारे फ्रेंड खड़े हैं बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ जाए, पता नहीं एक एक तीन साइड उधर बोल रही है, एक उधर बोल रही है, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तेरे लिए मैं बहुत प्यारी सी चीज बोलना चाहती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। राहुल 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 राहुल। सो फाइनली हम ये जलेबी वाली शॉप में पहुंच गए हैं, जलेबी खाएंगे हम। बहुत ऐसी जलेबी होती है, जब भी आप बालूगंज या शिमला में आए तो बालूगंज की जलेबी जरूर खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है गाइस। बालूगंज की सबसे फेमस जलेबी, और ये खाने में बहुत ज़्यादा करारी होती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये कुयार, और यहाँ मैं लगा रही हूँ अपना अपने होली सेलिब्रेशन वाली। तो ये देखो होली सेलिब्रेशन वाली वीडियो, तीन लोग आराम कर रहे हैं। गाइस गाइस इधर देखो, तो अब ये हमारी जलेबी, हम भी खाना शुरू करते हैं। अब हमारे साथ हमने जलेबी खाई बस, और तो आपको खा के उब गए। अब हमें कुछ नमकीन खाना है। हाँ अब ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया हमने, बट टेस्टी थी जलेबी, बहुत अच्छी। हाँ ठीक है अमित भाई, ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो यहाँ पे फोटो शूट हो रहा था और फोन इसका है, और ये बंदा दुखी बैठा हुआ है। फोन जिस बंदे का बहुत बहुत ज्यादा दुखी बैठा था। यहाँ पे गाड़ी आ रही है, बारी बारी करके सारे फोटो ले रहे हैं। यहाँ पे फोटो बहुत अच्छे आ रहे हैं। लाइक करें प्लीज, कमेंट करें, सब्सक्राइब।